नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। प्रदेश में गोवंश की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। कभी पहाड़ों से नीचे तो कभी उफनाती नहरों में, कभी मुंह बांध कर मरने के लिए छोड़ा जा रहा है। और हद तो तब हो गई जब प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के विधानसभा क्षेत्र में ही सैकड़ों जानवर मरने की कगार पर खड़े हैं। इतना ही नहीं, जिस गौशाला में दाना और पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, वहां इनकी हड्डियां चीख चीख कर कह रही हैं कि प्रदेश में गोवंश की क्या दुर्दशा है। गौशाला की यहाँ के तमरी की स्थिति, ये बाजू में शिव मंदिर है। वो हर आदमी को पुलिस को फोन लगा के यहाँ तुरंत पुलिस बुलाता है और तुरंत हम लोगों को अंदर करा देता है। बरसात में बाहर बैठे रहते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, ना भूसा है ना कुछ है। जी जी जी, गौशाला नहीं, मौतशाला है जी। यहाँ पे कई कानून का विचार ही नहीं आई, कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। ये बेचारा जान तोड़ दिया, हम लोग ठंडे में मर रहे हैं तो आत्महत्या करे। साफर प्रसाफर कोई सुनाई नहीं दे रहा, कोई सरपंच सुनाई नहीं दे रहा है। दरअसल मामला देवतालाब विधानसभा क्षेत्र का बिलहाई खुर्द का है, जहां गौशाला समूह संचालक को सुपुर्द कर दी गई। यहां जानवरों को दाना पानी ना मिलने के चलते गौशाला ही गौवंशों की कब्रगाह बन गई है। यहां दर्जनों जानवरों के कंकाल पड़े हैं, जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन दिखावा करने वालों को इसकी खबर नहीं है। वही भारतीय जनता पार्टी गौभक्त बनती फिरती है। स्थानीय नेता विधानसभा अध्यक्ष गौ पूजा कर वाहवाही लूटते हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के विधानसभा क्षेत्र में जो दुर्दशा गोवंश की है, वो देखकर आप स्वयं अनुमान लगा लीजिए कि इस गौशाला में जीवित रहने से अच्छा है कि गोवंश स्वर्गलोक को प्रस्थान कर जाएं और इस नर्क से मुक्ति पाले। पूरे प्रदेश में ही गौशाला निर्माण के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ। नेताओं के चहेतों को ठेका मिला और गौशाला की राशि अपनी तिजोरी में भरी गई। जहां गौशाला बनकर तैयार भी हुई तो वहां गोवंश के हिस्से का चारा खुद भ्रष्टाचारी सफेदपोश के चहेते खा रहे हैं। जिले के 8 विधायक भाजपा के सांसद वहीं आए दिन गौ पूजा कर वाहवाही भी लूटते हैं, लेकिन वहीं गौवंश 24 घंटों कीचड़ में बैठी है। आप सोच सकते हैं कि उस गौवंश का आशीर्वाद किस तरह से मिल रहा होगा। आइए आपको दिखाते हैं गौशाला के दृश्य, जहां 33,000 करोड़ देवी देवताओं को अपने शरीर में धारण करने वाली गोमाता बदहाली का दंश झेल रही है। यह गौशाला की यहाँ के तमरी की स्थिति, ये बाजू में शिव मंदिर है। और थोड़ा और मिल पाओ, यह हाल हो और सरहंग हो चुका है। इतना सरहंग है कि मतलब अगर उसके बारे में मुद्दा उठाते हैं तो वो हर आदमी को पुलिस को फोन लगा के यहाँ तुरंत पुलिस बुलाता है और तुरंत हम लोगों को अंदर करा देता है। अभी पिछले साल की बात है, हम मजदूरी किए थे, यही मनरेगा के तहत बाहर रहते थे तो आए थे, तो उसने कोरोना काल में 1100 कुछ रुपए हम लोगों को दिया जा रहा था, तो उसने हमको 180 रुपए दिया था और मजाक किया तो बोला जो उखाड़ना है तुमको उखाड़ लो, जो करना है आपको तो कर लो। पुलिस यहीं पे आई थी। ए दादा हो रहा है अपना ना, हम कोरोना आज 2 साल से लगा हुआ है इस गांव में। मैं नागपुर में रहता जब से आया हूँ तो यहाँ पे अनव्यवस्था चल रही है। जितनी भी गौशाला में गौशाला है, गाय है, यहाँ पे ना तो चारा ना तो भूसा कुछ भी नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। जी अभी कम से कम नहीं तो 25-30 गाय बची हैं, 500 गाय में सब मर चुकी हैं। जी जी, और जो उनका हड्डी है तो यहाँ पे व्यापार चल रहा है। और शासन प्रशासन से आप क्या मांग रखना चाहते हैं? हम मांग यही रखना चाहते हैं कि इनका सुरक्षा किया जाए और आके यहाँ पे तुरंत निराकरण करें। जी जी जी, आप भैया आपका क्या नाम है? हम विजय शंकर उपाध्याय हैं। जी जी, आपका घर? हमारा घर यही गौशाला के पास है। जी जी जी, नर्क खाना बनेगा। जी जी जी, इसके तुरंत सफाई किया जाए। नहीं, हम हमारे अंकल ने वीडियो में मतलब फेसबुक में डाला है। जी जी जी, गौशाला नहीं मौतशाला है। जी जी, यहाँ पे कई कर्मचारी नहीं आए, कभी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। यहाँ पे रोज गाँव गौ की हत्या हो रही है और कंकाल को खा रहे हैं, बेचा जा रहा है। एक गौशाला की लोगों की मतलब क्या बिलहाई खुर्द जनपद मऊगंज के अंतर्गत आवत है। आज यहाँ तमरी में फर्व सेवा संगठन के बैठक रही, वहाँ पर कुछ लोग जानकारी दीन कि यह पड़ोस माँ बिलहाई खुर्द माँ एक गौशाला है, वहाँ गौवन के बड़ी दुर्दशा हो रही है। उनका यहाँ के देख रेख करे वाला नहीं, यहाँ चारा पानी भूसा दे वाला नहीं, यहाँ करीब 500 के लगभग गाय रही हैं, अब 10-25 बची हैं, 10-15 लोग यहाँ मरत यहाँ यहाँ जवान है तो जिंदा जो है तो कुकुर गाय इनका खाए में लगे रहे हैं, कुकुर सीगट यहाँ सकाए सकाए खाए रहे हैं। यहाँ के
बड़ा असहनीय का ठोल लगे देखे के बाद। तो यहाँ ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है भैया। ये फोटो देखे, ये सब लोग यहाँ है, सर सेवा संगठन के लोग हैं। कई थे मरी है, अरे थे मरी है, अंदर वाले में हड्डी। सुनिए, कि सब लोग हम लोग एकत्रित हैं, आए हैं तो वीडियो बस तक सीमित न रह जाएं, इसलिए अभी तत्कालिक कार्रवाई कर तुरंत फोन भी लगवाया जाए थाने, थाना वालों को सब जगह बना देना है। और जो अपना प्रभारी यहाँ पे है देवतला विधानसभा के, देवतला में जो भूखे मरती लाई है, तो पहले तो भैया के दुइया देखा दुई घर पैरा डाल दी यही कहते मरती लाई है, क्यों खाना न दी थोड़ा ऐसा एंड फेंकवा दे, कम से कम पेटे पड़े इनके। अरे थोड़ा देख खिला दुई डेटा खा, कुछ फेंक दे, कुछ तो पेटे पड़ा ऐसा मार बाका खलाए छटपटाती लाई है, मैंने बहुत बड़ा जघन्य पाप हो रहा है। मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना राधे कृष्णा गौशाला निर्माण 2020-21 में हुआ है, ये देख लीजिए। जैसा कि हम सभी लोग आपको दिखा रहे हैं कि ये गौशाला की ये हालत है, बरसात में ही बाहर बधे रहते, खाने के लिए कुछ नहीं है, न भूसा है न कुछ है। और मैं अभी ये अंदर की आपको वीडियो दिखाता हूँ कि किस तरह की समस्या है। और ये देखिए गायों की गाय इस तरह से मरी पड़ी हुई है, और इतनी दुर्गंध आ रही है कि रुकने का मन नहीं कर रहा है, इतनी बड़ी समस्या है। देख लीजिए यहाँ के जो वीडियो के ये देवतला विधानसभा क्षेत्र में आता है, जो स्पीकर बने हुए हैं ग्राम पंचायत बिलाई खुर्द है, जो विधानसभा माननीय अध्यक्ष महोदय का क्षेत्र आता है, जिस तरह किस तरह के कर्मचारी रखे गए हैं, किस तरह के कौन रखे, इस तरह से देखिए गाय मरी हुई है, इनको हैजा हो जाए कैंसर हो जाएगा कोई निश्चित नहीं है। ये देखिए ये नजारा है, देख लीजिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कि सरपंच भी दादा भाई हैं और सेक्रेटरी भी हैं, कोई आवाज उठाने की हिम्मत। हमारे भारतीय सर्वे सेवा संगठन को जानकारी दी गई और हमारे सभी पदाधिकारी क्षेत्र पे आए, और एक इस तरह भी गौशाला बनाई गई है। ये देखिए हड्डी हड्डी देखे हड्डी, जहाँ पे जाना मुश्किल है, हम आपको दिखाते हैं जूम करके, जूम करके इस तरह की गौशाला में गायें बंधी हुई है और मर रही सड़ रही है, कोई देखने वाला नहीं है। ये देखिए यहाँ पे कोई हमको संरक्षक नहीं मिला, जो इसको ताकता है कि ये रखता है कुछ देख रहे हैं ना, इनका सब में कौन है भैया, सरपंच चुनते हैं, सरपंच सचिव चुनते हैं, कोई कुछ मतलब नहीं है। इस तरह से सरपंच की देखरेख में सब हो रहा है, सचिव और सरपंच के माध्यम से, वो अपने पंचायत को भी नहीं देख पा रहे हैं, और बातें करेंगे एक जिला पंचायत और विधानसभा लड़ने की। आ जाओ सब शिकायत है, या कहा दुबे जी पैर बाउ भेज भाई, इनका 10-12 बोझा पैर डाल है, कहे तभी बिचारे इनके भूख शांत हो या काल सवेरे ढीलू दे, कहे। अनुराग मिश्रा बात कर रहा हूँ, ये ग्राम पंचायत बांस जनपद पंचायत गंगेव के अंतर्गत आती है, यहाँ पे करीब 50-60 पशु हैं। ये बताइए मोटर कितने दिन हो गए, एक इधर मोटर कितने दिन हो गया खराब हुए, एक मंथ हो गया। अच्छा, एक महीने से मोटर खराब है, और खाने पीने की व्यवस्था इनको कहाँ है, इनके लिए ना तो खाने की व्यवस्था है, इनके लिए खाने की व्यवस्था क्या है,
अच्छा ये इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इनके लिए ना तो खाने की व्यवस्था है। ये देखिए इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर आओ, ये दिखाओ, ये देखिए, ये बेचारा जाम तोड़ दिया है, ना तो इनके लिए खाने की व्यवस्था है ना पीने की व्यवस्था है, ये बेजुबान पशु मर रहे हैं। इधर आइए आप यहाँ कौन है, क्या कार्य करते हैं यहाँ आप? यहाँ कौन कौन देखता है, हैं? कोई नहीं देखता यहाँ, कोई काम नहीं करता। ये पशु जितने अंदर हैं गौशाला के अंदर, इनको खाना भूसा कौन देता है? अच्छा वो अभी नहीं है। अच्छा ये कितने दिन हो गया, इसकी तबीयत कब खराब थी? आज कल मर गया ये। अच्छा कितने पशु मर चुके हैं अभी तक? 10 मर गए। अच्छा और यहाँ के जो जिनका ये है, मतलब यहाँ के मेन काम है? अच्छा ठीक, तो आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इसकी जान निकल चुकी है। खाना खाने के लिए ना कोई इसके लिए कुछ था, ना पानी पीने के लिए है। एक मंच से मोटर खराब है, यहाँ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए ये बेचारे पशु तड़प तड़प कर मर रहे हैं, ये करीब एक मंथ हो गया मोटर खराब हुए। ये बोर है, देखिए ये करीब एक मंथ से खराब है। और ये चौकीदार कक्ष है, यहाँ ताला लगता है, ये ताला लगता है। देखा आपने हमारी गौ माता किस तरह से भूखे प्यासे मरने के लिए विवश है। इससे तो अच्छा था कि गौ भक्त उन्हें जंगल में छोड़ दे और आवारा ही अपना जीवन काटे, या फिर कसाईयों को सुपुर्द कर दे तो इस नरक से उन्हें मुक्ति मिल जाए। आइए सुनाते हैं समाज सेवियों को जिन्होंने मौके पर जाकर गौशाला की हकीकत देखी है। फिलहाल अभी बारिश के टाइम पर गाँव के सब लोगों ने मिल करके टेम्परेरी व्यवस्था आशाई बना रखी थी, एक जगह बाड़े में एकत्रित कर रखा था, और उसके लिए पानी और चारे पैरा के इंतजाम करके बराबर व्यवस्था बना रहे थे। लेकिन अब ये संभव नहीं है गांव के सभी लोगों के द्वारा। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि अभी बारिश का टाइम था तो सभी घर में थे, अभी इसके बाद सब अपने अपने काम पे होंगे, इनकी जिम्मेदारी कोई एक आदमी लेने के लिए तैयार नहीं है। और ये सब आवारा मवेशी है, बाहर गांव से आए, तो गांव के लोगों के यहाँ की तो है। तो इसकी शिकायत जब की गई थी तो शासन द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। शिकायत पुष्पेंद्र मिश्रा जी ने जैसा बताया कि हमने शिकायत तहसीलदार साहब के यहाँ करी है, और इसके पहले भी कई बार शिकायत की थी, तो उसमें तो कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा। हम सब लोग गाँव के जाते सबका मत है कि इन मवेशियों को ये पास समीपी गांव में पूर्वा गौ अभ्यारण है, वहां पर माननीय कलेक्टर साहब भिजवाने का कष्ट करें। ये सब गांव के लोगों का कहना है, क्योंकि ये आवारा जानवर ये तमाम सब खेती का नुकसान कर रहे हैं लोगों के। बता जी से निवेदन है कि ये कार्य हम लोगों का करें और ये पशुओं को ले जाकर गौशाला में। ये कितने पशु होंगे आपके यहाँ? कम से कम हमारे गांव में 100 के आसपास हैं। तो ये दूसरे गांव से आए, एक साथ छोड़ दिया गया आपके यहाँ? क्या है कि मेन मार्ग है हमारे गांव से होते हुए, इसी मार्ग में बड़े गाड़ियों से छोड़ जाते हैं, जिस कारण ये समस्या बन रही हम लोगों को। और कुल मिला के खेती को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर रहे हैं खेती। हम लोगों मतलब रात भर जागना पड़ता है, मौका किया जाए और इनका सही। अच्छा शुक्ला जी आपका क्या कहना है? ये माननीय कलेक्टर साहब को हम ऑनलाइन शिकायत भी किए और तहसीलदार को आवेदन भी दिए, तो तहसीलदार पटवारी को जांच तो आज तक न जांच कराई गई, जो कि हमको रात भर कष्ट करना पड़ता है। हम लोगों की सबसे बड़ी विकट समस्या है मवेशी, और इन मवेशियों के रख रखाव की व्यवस्था यदि शासन प्रशासन द्वारा तत्काल नहीं की जाती है तो हम लोगों के सामने जीवन का स्वयं का खतरा बना हुआ है। या तो हम लोग भूखों पेट मरेंगे भाई, जब खेती सब हमारी चर ली जाएगी तो हम लोग भूखों पेट मरेंगे, और अगर इन मवेशियों को गैरते हैं तो मवेशी मरते हैं। तो कुल मिला के
ऐसी स्थिति ऐसे पशु पक्षी की स्थिति में क्या किया जाए। अब तो ना तो सरपंच का वर्तमान में प्रशासन है कि चलो सरपंच साहब से जाके कहेंगे तो उनका रख रखाव करेंगे, तो वर्तमान में सरपंच भी नहीं है। अब आखिर इस समस्या से निराकरण हो तो हो कैसे। ये 31 मार्च को शिकायत की गई थी जब हमारे गांव में मवेशी आए हुए थे, और उस टाइम पे मवेशियों की शिकायत करने के उपरांत भी आज तक कोई कार्यवाही शासन द्वारा नहीं की गई। यहां तक कि बार बार अधिकारियों का फोन आता था कि ये जो शिकायत की गई है आप लोगों द्वारा तो इसको बंद करवा दीजिए। तो जब ये शिकायत बंद करवाने के लिए बार बार कहा जा रहा था तो उस टाइम पे ये शिकायत बंद नहीं करवाई गई। हम लोगों द्वारा बार बार यही कहा गया कि श्रीमान जी ये जो अन्य जगह से मवेशी सैकड़ों मवेशी हमारे गांव में आ गए हैं तो इनकी व्यवस्था आप बनवाइए, चूँकि हमारे गांव के मवेशी नहीं हैं और हमारे गांव के मवेशी नहीं हैं तो हम लोग क्यों इनको झेलें। हम लोगों की कोई बात सुनी नहीं जाएगी। अब जब तक शासन इस मामले में एक्शन नहीं लेगा तब तक उन गौशाला में कहाँ हम लोगों को रखा जाएगा। हमको इतना बड़ा दुख है कि आज हमारी फसल जा रही है और हम लोग ठंडे में मर रहे हैं तो आत्महत्या करे। फाफन प्रशासन कोई सुनाई नहीं दे रहा, कोई सरपंच सुनाई नहीं दे रहा है। यहाँ सब आवारा गड्डी सब मवेशी नुकसान करे हैं, भूखा मरेंगे। नहीं तो इन मवेशियों की व्यवस्था कुछ नहीं है, ऐसी नहीं है यहाँ न सरपंच है यहाँ नहीं। ये आपके आपके गांव के मवेशी हैं कि नहीं है? हमारे गांव में इतना मवेशी है कि बाहर से आया के कम से कम 200-250 मूड़ा मवेशी चल रहे हैं तो, और लोग रात भर मर रहे हैं। किसी को ठंडी हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है, डॉक्टर ना ही कर रहा है। गांव खोते तो पानी नहीं, गांव वाले होते तो गांव का हम लोग बना लेते, सब बाहर से मवेशी लाला के छोड़ देते हैं यहाँ। नहीं तो कुल मिला के अब आप शासन से क्या अपील करना चाहते हैं? क्या अपील यही करना चाहते हैं कि फाफन इनको ऊपर ध्यान दे, कहीं बाड़ा बनवाए, कुछ भी करे। भाई खुल के यहाँ के अंदर से गोरू आए रहे हैं, हम वाले की खेती मराई बोए है, हाँ। सब खाए ले था, रात दिन का तो बहुत ढंग पर, रात के नहीं ठंडे में जापा दबाए, हाँ। तो का किन जाए इनका गोरुन का ही। अब हम खेती की बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है, सब खाए ले था, हाँ। हाँ। आओ नहीं तो स्थाई कहाँ करवाई जाए तो इनसे जाके पब्लिक के समाधान रहे, नहीं तो कुछ ना बाकी सब खा ले ही, नहीं तो मनाई मेरी यही दाना दे। हाँ या तो आप खाएं या तो मवेशी खाएं। हाँ तो अपना बताइए, गुरुअन के बारे में बताइए, का समस्या है? गुरु हम चार रोज बैठ के इनके खवान पियान पैरा पताई अन्नदाता पानी बिगुर मरर रहे थे। आज पुन ढील दिन हम पंचे ना साढ़ी खेती कही पान न कही कही खेत पड़े हैं, ऐसे कुछ हल्के नहीं ना धान के पैरा या ना भूसे या तो का खवाइए। तो इनके लिए क्या आगे के क्या प्रबंध है? शासन जऊँ करे तो ये आपके गांव के मवेशी हैं भाई? यारा कोई आनी कहाँ से आए पे आता है ये हमारे गांव में, तो दूसरे गांव में नहीं ले जाने देते आप लोग? भाई दूसरे गांव में था, नदी उतारी थे डंडा मारा था, कहा था कि हमारे गांव में गुरु है ना, हम खेती करी थी। आप हाँ दुबे जी अपना बताइए। मार्च से सब बाहर से गोरू आए हैं जी, उसको सब निपटा दिया, खेती बिगुर हो गई। 60-60 मूड़ा 70-70 मूड़ा जिस खेत में पड़ते हैं खड़े वहाँ कुछ। तो कुल मिला के आपका शासन से क्या अनुरोध है? शासन क्या से है कि शासन इनकर व्यवस्था करे, चाहे जहाँ गौशाला हो तहाँ भेजवामा, चाहे जहाँ आदेश करा तहाँ ले जाए। हमार कहा भी है कि मान शासन से यही कि हमारे गांव में परेशानी बहुत बड़ी समस्या ही, जानवरन से खेती 60% बोई रही जो उनमें खत्म हो चुकी है, 40% बची है। आ इनकर 4 दिन व्यवस्था कीन गए के बाद अब कुछ खर पतवार नहीं आए और परेशानी है से ढील दिन गए गुरुवन का। अब एक शासन एकर व्यवस्था करे नहीं, हम पंची अब खुद किसान फांसी लगा ले। नमस्कार, मैं अनुराग मिश्रा ग्राम पंचायत बांसका निवासी हूँ। मेरा जनपद पंचायत गंगेव तहसील मनगमा जिला रीवा आता है। मेरे गांव के अंदर एक गौशाला बना है जिसमें करीब 60-70 गाय रहती हैं। उसका संरक्षण समूह के माध्यम से चलाया जा रहा है। समूह माँ शारदा लक्ष्मी करके नाम से चल रहा है, जिसका संरक्षण रविकांत अग्निहोत्री समूह के अध्यक्ष हैं और देवेंद्र तिवारी समूह के सचिव हैं, जो कि सरपंच के माध्यम से ये समूह संचालित किया गया है ब्लॉक सीओ के माध्यम से। तो मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे साथ बहुत गलत कराया जा रहा है। मैं एक दिन गया गौशाला के अंदर तो गाय मरी पड़ी हुई थी, मैंने एक वीडियो बनाकर पोस्ट किया
तो उसका ये लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरे खिलाफ FIR कायम करवा दिए हैं, मेरे को मारने पीटने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं जिला प्रशासन रीवा जी से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे लिए नहीं गौ माता के लिए मुझे इंसाफ दिलाइए। मेरे साथ बहुत गलत काम कर रहे हैं ये लोग, घर से निकलना मेरा मुश्किल कर दिए हैं। ये सरहंग लोग हैं और मेरे को अपराधी बोलते हैं। क्या मैं एक वीडियो वायरल कर दिया तो सर मैं अपराधी हूँ? मेरे खिलाफ़ FIR होनी चाहिए। मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ और सच्चाई की लड़ाई में अगर मेरा कोई साथ नहीं देता तो मैं आत्मसमर्पण कर लूँगा श्रीमान। मैं गौ माता के लिए आत्मसमर्पण कर लूँगा, नहीं तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो आप जो सजा देंगे तो मैं बिल्कुल उसके लिए एक्सेप्ट करूँगा। मवेशियों के बारे में बेटा आपका क्या कहना है? कहना क्या है, बस अपना खेती बस आधार था, अब लग रहा है कि वो भी नहीं बचेगा और आपस में लड़ाइयाँ भी होने लगी हैं इसी जानवरों के चक्कर में। अगर हम अपने खेत को साइड करते हैं उनको तो किसी और के खेत में जाते हैं और सामने वाला व्यक्ति भी हमें ही दोषी मानता है तो माने लड़ाई की स्थिति भी बन जाती है। बिल्कुल लड़ाई की स्थिति भी बन रही है और अपना नुकसान तो हो ही रहा है, खेती के अलावा और कुछ था नहीं और वो भी लग रहा है कि अब नहीं बचेगा। तो इसमें शासन से आपका क्या अपील है, क्या कहना है? शासन से यही अनुरोध है कि जानवरों को कहीं ना कहीं शिफ्ट कराया जाए जिससे कि हमारा भी कुछ ठीक ठाक हो पाए। नहीं तो पढ़ाई लिखाई करके आप खेती कर रहे हैं, अब क्या करें, नौकरी तो मिल नहीं रही है। वीडियो वायरल हो रहा है, गाय पड़ी है गौशाला में, क्या मामला है, आप वहां जाकर देखा? जी, हम लोग संगठन का काल कार्यक्रम रखे थे तमरी मोड़ में, बिलाई खुर्द पंचायत में आता है। वहाँ केसरी पांडे नाम के जो ग्रामीण वासी है वो हमारे पास आके संगठन की बेन शिकायत किए, बोले कि वहाँ भ्रष्टाचार है, गऊ की हत्या हो रही है, वहाँ कोई देखने वाला नहीं। हम लोग दो चार बार शिकायत कर चुके हैं, हर जगह सूचना दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उसका कोई निराकरण आज तक नहीं हुआ। क्या देखा आप वहाँ? हमने जब हम लोग जब वहाँ गए सैकड़ों की तादाद में थे और वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने देखा कि वहाँ मतलब गाय मरी हुई पड़ी थी, एक कारखाने में 5 पड़ी थी, दूसरे कारखाने में 5 पड़ी हुई थी। और उसके बाद जब हम लोग मतलब सूचित किए हर जगह के लिए, लेकिन कहीं से कोई आया नहीं। क्या मानते हैं उसका जो घास भूसा मिलता है जानवरों को खाने के लिए खिलाया नहीं जा रहा? जानवरों के जो खिलाने के लिए मिलता है वो कुछ उनको दिया नहीं जाता है, सूखा पैरा बाहर पड़ा हुआ है, उसको अंदर फेंकने वाला कोई नहीं है। कौन संचालित कर रहा है गौशाला को? गौशाला का संचालन कर रहे हैं ग्राम पंचायत बिलाई खुर्दी के सरपंच साहब। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि उसमें कार्रवाई हो और शासन प्रशासन से ये हमारी मांग है कि उस कार्रवाई के तहत जो भी इसमें दोषी ठहरा पाया जाए उसके ऊपर कार्रवाई हो और गौ हत्या को बचाया जाए। का वीडियो है, क्या मामला है और कहाँ की गौशाला है? देवतला विधानसभा के अंतर्गत का मामला है, एक पंचायत है वहाँ गौशाला बना है, वहाँ करीब सैकड़ों गाय की हत्या हुई है और ना तो वहाँ पर कोई अभी तक प्रशासनिक अमला पहुँचा, ना माननीय कलेक्टर महोदय जी पहुँचे, ना वहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं, ना अभी तक उस मामले में 2-3 दिन से वीडियो चल रहा है, किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया है। क्या चाहते हैं आप लोग? ये चाहते हैं कि जिस तरह गाय के प्रति क्रूरता हो रही है, गाय की हत्या हो रही है निरंतर, अभी हमारे सिमरिया विधानसभा के अंतर्गत एक सथनी पंचायत आई थी उसमें भी गाय की हत्या हो गई थी। सिमरिया विधानसभा जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनके रिलेटिव गाय की हत्या कर रहे हैं। इस तरह भारतीय जनता पार्टी के जितने भर भ्रष्ट नेता हैं उन्हीं के कारण ये पूरी हेर फेर चल रही है निरंतर। आप लोग क्या करेंगे? आम आदमी है, पब्लिक है, हम लोग विरोध करेंगे, थाना जाएंगे, उनकी सत्ता है, उनकी सरकार है, सीधे फोन करके मना कर देंगे कि भाई वो हमारा रिलेटिव है जो गाय की हत्या किया है। खाना पीना नहीं मिलता, देखा जा रहा वीडियो में भूखे पड़े हैं, लाश पड़ी है, वहाँ हड्डियां मिल रही है, सब मिल रही है, चूंकि वो सब भारतीय जनता पार्टी के रिलेटिव के आते हैं, सब उन्हीं के रिलेटिव को काम मिल रहा है, उन्हीं के रिलेटिव को ठेका दे रहे हैं, उन्हीं के रिलेटिव को आपने गौशाला बनवा रहे हैं, तो उनको किसी भी प्रकार के डर भाव है नहीं है। और जो विरोध करेगा, जैसे मैं अपने जनता जनार्दन के हित की बात करता हूं, तो जो हमारे क्षेत्र के विधायक है वो सैकड़ों लोगों के ऊपर FIR कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष है गिरीश गौतम जी, उनके क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है गौशाला का, गाय मरी हुई पड़ी हुई है। पूरे जिले में क्या स्थिति है ये गौशालाओं की, क्या वास्तविकता है? दुखद बात की गौ के हाड़ मांस का व्यापार करता हुआ बीजेपी सरकार ये जो है जिस प्रकार से हर विधानसभा में जगह जगह पे ये गौशाला खुलवा कर उसके भूसे को उसके उनके हाड़ को उनके मांस को बेचने का जो कारोबार चल रहा था उसी का एक उदाहरण जो है आज सुबह जो है मुझे भी एक वीडियो मिला था
इस बात के लिए कि बिलाई खुर्द पे जो है ये इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। वहां पर एक एक गौवंश की जो है लाशें वहां बिछी हुई थी और जो लग रहा था कि 10-15 दिन किसी ने देखा ही नहीं है, इतनी बदबू उसमें बताई जा रही है। जिस वीडियो को मैंने जो है अपनी जिम्मेदारी तय करने के लिए यहां के जो डीएम है इल्लई राजा टी को जो है मैंने भेजा है उस पर सख्त कार्रवाई की बात की है। पर दुखद इस बात का भी मैं गिरीश गौतम से जो है मैं जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी प्रमोद शर्मा ये बात का जो है विधानसभा अध्यक्ष से सवाल पूछना चाहता हूं कि आप विधानसभा अध्यक्ष हैं और आपके क्षेत्र में इस प्रकार की गौशाला के अंदर में ये कुकर्म हो रहा है जो वहां पर पहुंचने के बाद लगातार ये लोगों ने कई बार शिकायतें की उसके बावजूद ये बात को दब जाना, तो क्या आप ये आप लोग चाहते हैं कि इस गौवंश के नाम पे जो है आप जिस प्रकार का गोरख धंधा कर रहे हैं तो उसको देखने के लिए मैं स्वयं उस जगह पे जाऊंगा भी और मैं चाहूंगा कि प्रशासन सख्त कार्रवाई करे। और गिरीश गौतम जी जो आपको जो मैं इस माध्यम से जो मीडिया के माध्यम बताना चाहता हूं कि आप जो तत्काल इस पे जो लोग इस पे कार्रवाई के अंदर पे आते हैं उनके ऊपर अगर आपने ये कार्रवाई नहीं की उनके ऊपर एफआईआर अगर दर्ज नहीं की तो मैं समझ जाऊंगा कि आप जो है ब्रह्मत्व के नाम पे जो है वो एक जो है मैं एक दाग समझूंगा अगर आपने इसको तत्काल इस पे एक्शन नहीं लिया। मैं प्रमोद शर्मा आपसे गुहार लगाता हूं इस बात के लिए कि अपने कार्य क्षमता को विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते इस रीवा जिले पे हो रहे समस्त क्षेत्र में मैंने आरटीआई लगाई, यहां पर गोबर के घोटाले हो रहे हैं, यहां पर आरटीआई के तहत जो है आरटीआई के तहत जो है ये मालूम चल रहा है कि आपको किस प्रकार से गौशाला के नाम पे खेल हो रहा है। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के जो है चाहे वो अब पूर्वक गौशाला हो चाहे ये जो आपके आपके क्षेत्र का जो है ये खुर्द का हो, ये लगातार सब जगह में ऐसे ही कार्यक्रम की ओर भूसा नहीं मिल पा रहा है, गायें मर रही है, उनको रखने की व्यवस्था नहीं है, वहां गंध है, दुर्गंध है और आपके सारे सेवा संस्थानों के नाम से ऐसा काम चल रहा है। बेहद दुखद और जनता जनार्दन इस बात को समझे कि क्या खेल है गौशाला के लिए और किस प्रकार की गौ सेवा बीजेपी के समस्त विधायक 8 विधायक सांसद कर रहे हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं ग्राम पंचायत सरपंच पति की जुबानी गौशाला की कहानी, जिसने स्वीकार किया कि गौशाला में सब कुछ ठीक नहीं है। हेलो जी आदरणीय सरपंच साहब बोल रहे हैं? पूर्व सरपंच जी आदरणीय पूर्व वर्तमान में आप मतलब वर्तमान में अब तो हाई नहीं है सर, वही ठीक है लेकिन प्रधान तो है आप अभी थे आप ही ना। जी अभी थे। गौशाला है जी आदरणीय जी जी। गौशाला में इतनी गाय जो जानवर मरे पड़े हैं तो ये कहाँ से आते हैं, क्या इनके चमड़ों में निकलवाया जाता है क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा है सर। हाँ ये गौशाला क्या है, पहले हम चलाते रहते गौशाला हमारे अंदर में थी सितंबर महीने तक। हाँ सितंबर 2021 में यानी अगस्त में 22-21 अगस्त को हम दे दिए थे समूह के माध्यम से पार्वती स्व सहायता समूह को। तो स्व सहायता समूह के माध्यम से वो चलाई जा रही थी तो जब तक तो अपन चलवाते रहे सब ठीक ठाक रहा, ये वास्तव में यहाँ लापरवाही किया है सर। ये कौन है सरस्वती समूह सहायता समूह के भूषण साकेत करके है, ये आपके पार्वती स्व सहायता समूह का संचालक है, इसका अनुबंध जिला जो वेटनरी होती है जिला संचालक हॉस्पिटल वहां से और मऊगंज हॉस्पिटल से दोनों जगह से है। तो क्या ये जानवरों को यहीं पे मार कर उनकी चमड़ी निकलवा रहा है क्या? किया है सर, हम आपको बता दें क्या किया है कि भूसा भी नहीं रखता था तो अभी हमारा कोई दायित्व तो ऐसे तो बनता नहीं चूंकि समूह को दे दिए, फिर भी मानव होते के नाते मैंने पैरा और भूसा खरीद के वहाँ रख दिया है, उसको देने वाला नहीं है। तो कुछ समाज से भी वहाँ गए थे, वहाँ हड्डियाँ पड़ी है, मतलब सीधी सी बात है वहाँ जानवरों को मतलब जी जी गलत किया है सर। हमारे शिकायत क्यों करवाया कुछ आपने, शिकायत की क्या? हमने शिकायत की है सर, पिछले महीने भी शिकायत किया था, हम कई बार समूह के शिकायत तो हम करते करते थक गए लेकिन समूह बदले नहीं जा रहे हैं। समूह की बात है, गौशाला की किया है क्या कि गाय वहाँ उधेड़ी जा रही है, चमड़ा निकाला जा रहा है, मारे जा रहे हैं? नहीं गाय उधेड़ी तो नहीं जा रही है, गाय को खाना कम दिया है वो। अरे तो मरी हुई पड़ी है, हड्डियां पड़ी है वहाँ गौशाला के अंदर जहाँ गाय रखी जाती है वहाँ हड्डियां पड़ी है, मरे जानवर पड़े हुए हैं। जी जी जी, तो इसके बारे में तो हम नहीं क्योंकि एक महीने से हम लोग गए नहीं, जब से दायित्व तो खत्म किए हम लोगों का पंचायत से तो हम गए नहीं उधर। अच्छा जी आदरणीय, पहले जाते रहे देख रेख करते रहे और सब बढ़िया रहा, कोई शिकायत शिकवा नहीं रही है। अच्छा तो बुद्ध सेन साकेत चला रहे हैं अभी वर्तमान? जी आदरणीय बुद्ध सेन साकेत चला रहा है। ठीक है, सुना आपने किस स्व सहायता समूह को ठेका दिया गया है और उसका अनुबंध किससे है, अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि गौशाला का ठेका गौ सेवा के लिए नहीं बल्कि उनकी हड्डियों और उनके चमड़ों के व्यापार के लिए किया गया है। आइए सुनते हैं मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना और आप पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा का कि इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है। ये कहना और ज्यादा तो नहीं बोलना चाहते पर वो नारियल लेकर के झोले में चढ़ते और वो सीधे जो है तो भू पूजन पर पड़ते हैं। अच्छी बात है भू पूजन करें लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी
यहीं मवेशियों को समेट करके थाने में ले जाकर के खड़ा किया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो मवेशी खत्म हो गए? क्या एकदम किसान सुरक्षित हो गया? क्या गौशालाएं संचालित हो गई? अगर गौशालाएं संचालित हो गए तो फिर यह मोकर वाली घटना कैसे घटी? तो हमारा ये कहना है, ये नारियल लेकर के उद्घाटन करना, ठेकेदारी करना, पैसे लेना, ये हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, पर वो बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। ये देखिए सामने फ़ोटो खींच लीजिए मवेशियों की, फोटो साहब ये देखिए, अभी इसको फेसबुक में देखा हम मोखर वाली बात कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी की सरकार बनी 15 महीने की सरकार थी, 15 महीनों में उन्होंने गौशाला के लिए विशेष रूप से यही स्थिति थी कि गाय रोड पर एक्सीडेंट हो रही थी, आदमी उससे एक्सीडेंट हो रहे थे, आवारा पशु की तरह गाय घूम रही थी और किसानों की फसलें भी नष्ट हो रही थी। इस बात को उनको विशेष चिंता हुई, किसानों की भी और गाय को भी। उन्होंने बड़े अच्छे स्वस्थ मानसिकता के साथ अच्छा खासा बजट दे करके हर गांव में गौशाला बनवाने का निर्णय लिया और लगभग गौशालाओं के लिए उन्होंने बजट भी दिया, गौशाला बनने भी लगी। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार चली गई, लेकिन भाजपा के कथनी और करनी में अंतर है। वो गायों के नाम पर सरकार बनाते हैं, गायों को बताते हैं गौ माता, और दूसरा किसानों के लिए भी बताते हैं कि किसानों के लिए हम अच्छा काम करेंगे, उनको अच्छा मुआवजा देंगे, सारी चीज़ करेंगे। लेकिन मैंने दोनों बातों पर ये देखा, ये जो गौशाला जो कमलनाथ जी की सोच थी उसका उस बजट का इन्होंने सिर्फ दुरुपयोग किया, चाहे आपके समझिए कि भवन निर्माण के माध्यम से हो, और चाहे आप ये समझिए कि उसका ठेकेदारी के माध्यम से, सिर्फ दुरुपयोग हुआ। और उसमें जो बजट होना चाहिए पशुओं के लिए, गायों के लिए, कि उसमें अच्छे खासे से रख सके, वो बजट उन्होंने नहीं लिया। जब बजट देंगे तब तो गौशालाएं संचालित होंगी, तो इसलिए ये गौशालाएं सिर्फ नाम मात्र की रह गई हैं और न और पशु आवारा की तरह भटक रहे हैं, उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनके साथ तो आम आदमी एक्सीडेंट हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि एक तरफ किसानों की फसल भी चौपट हो रही है और दूसरी तरफ गाय भी एक्सीडेंट हो रही हैं, आदमी भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो न ये गाय के सगी हैं, न किसानों के सगी हैं, न आम जन के सगी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, करनी और कथनी में इनका अंतर। और कांग्रेस की सरकार जब कमलनाथ जी की बनी तो उन्होंने इस बात को कर दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।